बहादुरगढ़ हलके से इनेलो बसपा गठबंधन की उम्मीदवार शीला नफे सिंह राठी को जनता का पार समर्थन मिल रहा है। इसी क्रम में आज उन्होंने अपने पैतृक गांव निलोठी में डोर टू डोर कैंपेन चलाकर लोगों से वोट की अपील की। घर घर जाकर शीला राठी ने अपना चुनाव प्रचार किया और बहादुरगढ़ के विकास को लेकर अपना विजन डॉक्यूमेंट भी लोगों को सौंपा। इस दौरान महिलाओं ने शीला राठी को गले लगाकर समर्थन देने का आश्वासन दिया। शीला राठी का कहना है कि निलोठी गांव उनका अपना गांव है, हमेशा यहां के लोगों ने उनका साथ दिया है और एक बार फिर ये गाँव उन्हें अपना समर्थन और सहयोग देने का वादा कर रहा है। ये मेरा अपना पैतृक गाँव है, मेरा जन्म इसी परिवार में हुआ है और अपने गाँव में मैं जिस तरह यहाँ आई और जिस तरह से मेरे परिवार ने एकजुट होकर अपनी बेटी का स्वागत किया है, उस स्वागत को मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि एक वो जो प्यार होता है वो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और अपने भाई भतीजों का जो प्यार, वो किसी भी कीमत से तोला नहीं जाता, वो एक अनमोल तोहफा होता है। और जो मुझे आज मेरे अपने परिवार ने सम्मान भी दिया और मेरा स्वागत भी किया और मेरे साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के अपनी लड़ाई समझ के और ऐसे गांव पूरा पूरा गांव मेरे साथ खड़ा हो गया, थैंक यू। बता दें कि शीला नफे सिंह राठी हल्के के विकास और स्वर्गीय नफे सिंह राठी को न्याय दिलवाने के लिए चुनावी मैदान में खूब पसीना बहा रही हैं। राठी के साथ साथ उनके बेटे और बहु भतीजे भी अलग अलग टीमें बनाकर पूरे हल्के में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में शीला राठी का कारवां लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और लोग उन्हें खूब समर्थन भी दे रहे हैं। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।